गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिंदास रेखा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का बज गया है 10:30 और हम चाय वगैरह पी लिए हैं और भी काम हो गया है तो। और ये देखिए, हम अपने नहाने के लिए यहाँ पानी गर्म होने के लिए लगा दिए हैं और आज हम बनाएंगे बथुआ का साग, दाल वाला बनाएंगे, यानी कि दाल में डालकर बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने बथुआ को अच्छे से धो भी लिए हैं, पहले अच्छे से चून चाल लिए हैं। अब ऐसे जानते हैं, मार्केट में साग वगैरह का रेट काफ़ी गिर गया है। अभी से एक महीना पहले तो साग का दाम इतना ज़्यादा था कि है ना, हम लोग सोचते थे कि कितना ले नहीं ले, लेकिन अभी है ना मार्केट में अभी ये सब चीज़ को कोई पूछ नहीं रहा है। 10 रुपया में 2 मुट्ठी दिया, यानी कि 10 रुपया मान के चलिए ना, हाफ के जी से भी ज़्यादा साग दिया है। और कल हम संतरा वगैरह भी थोड़ा सा खरीदे थे, संतरा का भी रेट है ना ठंडा जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो संतरा भी चाहता है कि सबको सर्दी वगैरह हो, तो उसके लिए संतरा का रेट भी अभी कम हो गया है, तो 60 रुपये के जी दे रहा है। तो ये देखिए, हम 1 केजी संतरा भी खरीद के कल लाए थे और ढेर सारा सब्जी लाए थे। तो चलिए हम दिखाते हैं कि कल हम क्या क्या सब्जी वगैरह लाए थे। तो ये देखिए, आपको हम दिखाते ढेर सारी मेरी सब्जियाँ। आज हम गाजर का हलवा भी बना कर बनाने वाले हैं। ये देखिए, ढेर सारी हम सब्जी लाए, आलू, गाजर, गोभी भी 1.5 केजी लिए थे, पत्ता गोभी, और गाजर का हलवा आज हम बनाने वाले हैं अभी, लेकिन उसका शुरुआत नहीं किए हैं। देखते हैं कब बनाना शुरू करेंगे गाजर का हलवा। और आज थोड़ा सा हम फ्रिज भी साफ़ करेंगे। ये देखिए, मेरा फ्रिज कितना गंदा हो गया हुआ ना। फ्रिज में अभी हम गए थे उस दिन मॉल गए थे तो ढेर सारा सामान वगैरह खरीद कर भी लाए थे। ये मेरा बालकोनी, आपको तो हम ये सब चीज़ दिखाए हुए हैं। तो देखिए, अभी हम मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा तो हम क्या क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे। आज हम दिन भर में, आज हम शायद कहीं जाएंगे भी, अब देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन जाएंगे तो पक्का आपको हम दिखाएंगे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो बथुआ के साथ को है ना इस तरह से धोकर और काट के डालिएगा ना दाल में, तो उसका लच्छा थोड़ा कम कम रहता है, नहीं तो आप इसी तरह डाल देने से है ना ज्यादा बड़ा बड़ा लच्छा आता है, जिस दर घुटना से भी नहीं घुटाने से होता है। ऐसे तो दाल हमेशा है ना, ऐसे तो दाल हमेशा है ना आदमी को कुकर में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये दल सग्गा है इसीलिए हम कुकर में बनाते हैं। दाल को आप जब भी बनाइए ना तो पतीला वगैरह में बनाइए, और जब तक उसका व्हाइट वाला जो जब ऊपर उसका पाउडर टाइप से आता है, फेन टाइप से, उसे हटा दीजिए। हम लोग जब कुकर में दाल बनाते हैं तो वो नहीं हटाते हैं, इसीलिए हम लोग में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। और जब दाल आप हांडी में बनाइएगा तो उसका व्हाइट पाउडर वाला जो आता है फेना, उसको हटा देने से उसका, तो हमारे में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बढ़ने का चांस कम हो जाता है। तो जल्दी जल्दी हम दाल को इसमें डाल दिए हैं, अब हम दाल को भी इसमें हम डालकर दिखाते हैं। तो मेरे फ्रिज में ये 2 ही मूली बचा था, वो भी सड़ रहा था, तो इसको हम काट कर रख लेते हैं। तो इसका हम छिलका देखिए, छील है तो भी ये कितना काला काला इसका हो गया ना, देखिए। और उतना सारा तो मेरे पास गाजर पहले से था और कल रात भी हम लाए, अभी ऐसे 25 रुपये के जी गाजर हो गया है। और ये गाजर ठंडा के दिन में ही लाल वाला मिलता, और इसमें तो हमेशा ऑरेंज वाला मिलता है। ये दोनों मूली को छील लिए हैं, उसका हम सोच रहे हैं कि सब्जी बना देंगे आलू डाल के, और इसका तो हम हलवा ही बनाएंगे, तो इसे भी हम सब्जी को छील लेते हैं। इतना सारा देखिए कचरा फैला हुआ है, फ्रिज में पड़ा हुआ था, उसके बाद चलते हैं फ्रिज साफ करने के लिए। जानते हैं मूली का पत्ता होता है, कचरा नहीं फेंकेंगे ना तो बहुत बदबू भी कर रहा है। फ्रिज में तुम लोग निकालती नहीं है। ये तेरा फ्रिज है ना, हम ही साफ करते हैं तो साफ होगा, नहीं तो ये इसी तरह ऐसे भी हम सबको करने भी नहीं देते, क्योंकि ये लोग करेगा तो सब तोड़ तार देता है। सूखा कपड़ा सही पोंछ लेने में ही भलाई, क्योंकि इसको आप खोल खाल कर पानी से धो धा के बहुत आदमी साफ करते हैं ना, उससे और ये गंदा लगता है कि हो जाता है। इस तरह हम इसलिए किचन का साफ टॉवल जो होता है ना उसी से हम इसे साफ कर देते हैं, ये देखने में एकदम साफ हो जाता है। हम हैं घर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इधर एक आदमी घर में झाड़ू दे रहा है, एक आदमी इधर मेथी धनिया पत्ता को काट उठ रहे हैं मेथी, हम ऐसे बथुआ चुने थे, और हम हैं घर के हेड सदस्य
जो यानी, और ये सब है मेरा वर्कर सब। और ये गाजर, ये भी देखिए काट के हम रख लिए हैं और ये अब घिसने के लिए उधर दे देते हैं। तो आपको आज हम हलवा बनाकर दिखाएंगे और आप मेरे तरह से हलवा बनाकर ट्राई कीजिएगा, तो आप वो देखिएगा कि आपको कितना अच्छा ये हम हलवा बनाकर बताएंगे बिना दूध वगैरह डाले हुए। जल्दी जल्दी कीजिए, उसमें डाल ले। गैस को भी स्टेज नहीं करना है। दलसग्गा में ऐसे भी दाल, दलसग्गा का जो साग हम लोग बनाते हैं ना, उसमें लहसुन जीरा मिर्चा का छौंक लगाने में ज्यादा अच्छा लगता है। फटाफट काम करोगे तो उधर भी हैंडल कर लोगे, वो भी देखो हो रहा है। तो ये देखिए गाजर को हम अच्छे से घास लिए थे, अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो आज आपको हम बिना घी और बिना दूध वाला हलवा बनाकर बताएंगे। तो ये देखिए कढ़ाई गर्म है, इसमें हम ये सब गाजर को डाल देंगे। अगर आपको इसमें घी डालना है तो एक चम्मच घी डाल लीजिएगा और ये दूध की छाली डाल दीजिएगा। छाली डालने से भी इसमें घी का स्वाद आ जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे, तो आपको हम बोले ना कि इसमें ज़्यादा दूध वगैरह यूज नहीं होगा, तो इसमें आप डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच के करीब में मिल्क पाउडर। आप कभी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा। तो इसमें हम डाल दिए हैं 3 चम्मच के करीब में मिल्क पाउडर, और आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतना मीठा इसमें आप चीनी डाल दीजिए। डाल देंगे चीनी, चीनी आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें है ना, हम लाए थे तो इसमें शायद थोड़ा मोड़ा दाल का भी एक आध टुकड़ा है वो इसमें गिर गया है। और ये देखिए थोड़ा सा है ना ड्राई फ्रूट का है ना कतरन बचा हुआ था, तो वो हम इसमें डाल दिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए आप पका लीजिए, जब तक ऐसे धीमा एकदम फ्लेम पर पकाइएगा एकदम अच्छे से सुखा कर। तो इसे अब हम भी धीमा करते हैं, बाकी इसे हम और भी काम कर लेते हैं। और ये देखिए मस्त हम टमाटर और धनिया पत्ता का चटनी भी पीस लिए हैं। तो ये देखिए मेरा मस्त एकदम हलवा का बनकर रेडी हो गया है गाजर का हलवा। कोई कह सकता है देख के कि इसे हमने बिना दूध और बिना घी से बनाया है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। फाइनली मेरा सारा काम भी हो गया है और मेरा नहाना धोना भी हो गया है, काफ़ी ठंडा ठंडा पानी था। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखिए मेरा ये सब खाना है, ये मेरा दाल है, चावल है, सत्तू वाला पूरी है, रोटी है, और ये क्या है आलू सोयाबीन का सब्जी है, धनिया पत्ता का चटनी है, और ये गाजर का हलवा है। तो चलिए अब हम सबको खा लेते हैं और मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। गाजर का हलवा इनको बहुत ही अच्छा लगा, तो मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। तो मिलते हैं आपसे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।